नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में मैं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर बनाने सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले साथियों, हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को खोल लेंगे। साथियों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को होम के यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर और सेल स्टाइल तक के ये सारे ऑप्शन सिखा दिए थे। इन सभी ऑप्शनों का यूज करके ही अटेंडेंस रजिस्टर बनाया जाएगा। तो जिस किसी ने भी पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर, लेक्चर 4, लेक्चर 3 और लेक्चर 2 को जरूर देख लें। उनकी जो डिटेल है, उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों, सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर बनाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ से नीचे मैं सीट 2 पर आ जाता हूँ, दूसरी खाली सीट पर। एक्सेल में अगर हमें कहीं पर कोई ड्रैग का ऑप्शन यूज करना हो, यानी कि किसी चीज को जल्दी लिखना हो, जल्दी वर्क करना हो, तो कुछ फीचर्स इसमें दे रखे हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर डेज नेम लिखने हैं, यानी दिनों के नाम लिखने हैं, संडे मंडे ट्यूजडे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा मंडे, अब आपको आगे ट्यूजडे वेडनेसडे ऐसे लिखना है ना, तो कॉर्नर पे ये जो पॉइंट है इस पे बस कर्सर ले जाइए, जब ब्लैक प्लस का निशान बन जाए तो माउस का क्लिक दबा के ऐसे आगे खींच दीजिए। तो जितनी दूर तक आप खींचेंगे ऑटोमेटिक वन बाई वन आगे डे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से मंथ में कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैंने नीचे लिखा जैसे जनवरी, तो जनवरी पे क्लिक करके कॉर्नर पे कर्सर ले गए और जब ब्लैक प्लस बन गया माउस का क्लिक दबाया और आगे तक ऐसे खींच दिया, तो ये हमारा मंथ नेम आ गए हैं इसके। अच्छा, तो इसके बाद हम कुछ जैसे सीरियल नंबर हैं या किसी आपको अंतर से चलना है, जैसे कोई काउंटिंग लिखनी है, कोई टेबल लिखना है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ सीरियल नंबर लिखने हैं 1 से लेकर 500 तक, तो मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, एंटर करके नीचे आए, यहाँ लिखा 1, फिर नेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएंगे नीचे 2। अच्छा, ऐसे 1-2 करके हम 500 तक लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो साथियों, हम यहाँ पर जल्दी भी इस काम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट कर लेना, ध्यान दें, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से 1 और 2 को माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे सेलेक्ट करना, और ये सेलेक्ट करना जरूरी है तभी होंगे। अगर आप 1 को 1 को ही सेलेक्ट करके खींच देंगे तो 1-1 ही आ जाएगा सब में, लेकिन 2 के बाद 3-4 इस तरीके से आए तो उसके लिए कॉर्नर पे पॉइंट पे कर्सर ले जाना, जब ब्लैक प्लस बने अब ऐसे दबा के खींचना। तो साथियों, आप देख रहे होंगे डिजिट बढ़ती जा रही है, आप अब थोड़ा झटके से एकदम नीचे की तरफ खींचे तो देखिए ये डिजिट बढ़ती जा रही है, 663 तक हो गई है। कम करनी है तो ऊपर को खींचे, लेफ्ट क्लिक दबा रहना चाहिए, जब तक आपके मन मुताबिक ना हो जाए लेफ्ट क्लिक दबाए रखें और ऊपर नीचे करके ऐसे छोड़ दें। तो क्लिक छोड़ते ही आपकी 500 तक काउंटिंग हो गई है, आप ये देख पा रहे हैं। एकदम ऊपर आना है, राइट में यहाँ से हम ऊपर कर देंगे स्क्रॉल बार से, ये आ गए। ऐसे ही मुझे यहाँ पे 2 का टेबल लिखना है, 2 1 2 2 2 4, दो चीजें निकली, दोनों को सेलेक्ट किया माउस से, कॉर्नर पे कर्सर ले गए और यहाँ पर नीचे लिख दिया। रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती लिखनी है, 100 99, 2 लिखी, सेलेक्ट किया, कॉर्नर पे कर्सर ले गए और इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम ऐसा हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं ऐसे राइट लेफ्ट में, और नीचे डाउन में भी खींच सकते हैं। तो इन सभी चीजों का यूज करके अब बनाते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। उसके लिए हम एक नई सीट पर आ जाते हैं, ये नीचे सीट 3 है, इस पर आ गए। अब साथियों, बिल्कुल टॉप में आ जाएंगे ऊपर, और यहां से A1 सेल पर, यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अटेंडेंस रजिस्टर, एंटर करके नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट बॉक्स में। यहां पर आप मंथ का नेम लिखेंगे, किस महीने का बना रहे हैं, मान लो मैं मई के महीने का, मई 2021 का बना रहा हूं, तो ये लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, एंटर करेंगे। अब यहां पर सबसे पहला जो कॉलम है वो लिखते हैं हम या तो सीरियल नंबर या रोल नंबर या एम्प्लॉय नंबर। अगर आप स्कूल में स्टूडेंटों का बना रहे हैं तो यहाँ रोल नंबर लिख दीजिए, और वर्कर्स का बना रहे हैं एम्प्लॉय वगैरह का तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे सीरियल नंबर साथियों हर जगह काम में आता है, बाकी आप एम्प्लॉय नंबर है कुछ भी लिख दीजिए, 1-2 से ही स्टार्ट होते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर 10 कैंडिडेटों का रिकॉर्ड बना रहा हूँ 10 का, तो पहले 10 तक काउंटिंग कर लीजिए, 1-2 को सेलेक्ट किया लिखकर और ऐसे 10 तक खींच दिया।
इसके बाद हम सेकंड कॉलम बनाते हैं नेम ऑफ, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय। मैंने कर्मचारियों का बना रहा हूँ, इसी फैक्ट्री है कंपनी का, तो इसलिए मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा। देखिए बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो आप ऊपर से यहाँ से इसको ऐसे एम्प्लॉय तक के बड़ा कर लीजिए, जिसमें कि नाम आसानी से पूरा पूरा आ सके। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय के बाद आप यहाँ पर इनके फादर नेम का या मदर नेम का ऑप्शन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, बाकी कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन बनाने में ये बेनिफिट है अगर एक नाम के कोई दो कैंडिडेट है, मान लो अजीत नाम के दो कैंडिडेट है तो उनके फादर तो कम से कम अलग होंगे, तो इसलिए यहाँ फादर नेम का भी आप बना सकते हैं। ये मैंने लिख दिया फादर नेम, ठीक है, और इस कॉलम को भी ऊपर से आप यहाँ से ऐसे बड़ा कर लीजिए यहाँ से लाइन से। अब मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा मैंने गौरव, सचिन, मयंक, राहुल, सोनू, महेश, यश, सूरज, कपिल, संजय। ठीक है ना, ये कुछ नाम लिख दिए। इसके बाद इनके फादर नेम अपनी तरफ से हम कुछ भी लिख देते हैं, कैलाश और सागर, अनिल, पवन, मनोज, राजीव, संजीव, सुनील, महेंद्र, अजय, ये मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अगर साथियों ये आप एम्प्लॉय का यानी कि किसी कंपनी में कर्मचारियों का वर्करों का डेटा बना रहे हैं तो यहाँ पर एक डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का ऑप्शन भी बनाना होगा कि वो किस पद पर कार्यरत हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। तो मैंने यहाँ लिख दिया डेजिग्नेशन लिख लीजिए या पोस्ट भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। अब मैं यहाँ इनकी कुछ भी पोस्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये मान लो कंपनी का मैनेजर है, ये सुपरवाइजर है, ये अकाउंटेंट है, ये भी मान लो अकाउंटेंट है, ए लिखेंगे। साथियों अगर कोई चीज पहले आ चुकी है आप शुरू के उसके एक दो लेटर लिखते हैं तो अपने आप आने लगती है पूरी, तो पूरी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एंटर मार के भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने सेल्स मैनेजर, यहाँ पर लिखा सेल्समैन। अब देखिए मैन लिख रहे हैं तो मैनेजर पूरा आ रहा है, तो आपको ये नहीं लिखना तो स्पेस दबा दीजिए कीबोर्ड में, स्पेस का बटन दबा दीजिए वो हट जाएगा। ऐसे ये हमारा सेल्समैन है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने जैसे हेल्पर, यहाँ से क्लर्क, इसके बाद पीओन, ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया साथियों। अच्छा ये इसके बाद आप ऊपर यहाँ पर लिखेंगे डेट और इसके बाद यहाँ लिखेंगे डेज। तो साथियों डेट में कोई भी महीना हो, एक तारीख से ही स्टार्ट होता है तो आप यहाँ लिख देना फर्स्ट, और अगर साथ में आप ये चाहते हो महीने का नाम भी आए तो इस तरीके से लिख देना फर्स्ट मई। कॉर्नर पे कर्सर ले जाना यहाँ से, और जैसे मई का महीना आपका 31 दिन का होता है तो इसे आगे 31 तक खींच देंगे। देखिए 6 तक आ रहा है, 5 से ऐसे करके आगे तक ये चल रहा है आपका कर्सर, आप देख रहे हैं, तो 31 पे जाके आप रोक देंगे, तो ये मैंने 31 पे जाके रोक दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से नीचे से स्क्रॉल बार को फिर से बैक ले आइए पीछे जहाँ थे हम। अब यहाँ पर डेज लिखे, 1 मई को कौन सा दिन था। अब हमें कैसे पता लगे कौन सा दिन था, तो इसके वैसे फॉर्मूला भी है लगाने का, लेकिन बहुत लंबा तरीका है फॉर्मूला, झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं साथियों बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर सिखाता हूँ, काम आपका सारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल तरीका ये है, नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए ये डेट टाइम आ रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कैलेंडर खुलकर आ जाएगा आपका। अब देखिए जून का महीना आ रहा है, पीछे का महीने का देखना हो बैक कर दीजिए तो मई का कैलेंडर आ गया, बैक कर दीजिए अप्रैल का, ऐसे पिछले साल का देखना हो या आगे फ्यूचर का देखना हो इस पर ईयर पे भी आप जा सकते हैं, ईयर पे इस पर क्लिक कीजिए। मान लो मैं 2022 का बनाना था, 22 में पहुंच जाएंगे, तो आप चाहे 20 साल पुराना चाहे आगे फ्यूचर का कभी कभी कैलेंडर या कभी कभी अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं। तो मैं 2021 में आ गया, मई के महीने का देखना चाह रहा हूँ कैलेंडर, मई पे क्लिक करा तो आप देख लीजिए मई का महीना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से, तो आप सैटरडे से 1 तारीख स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सैटरडे में डे डेट आ गई हमारी ऊपर, और यहाँ डे क्या आ रहा है सैटरडे, तो यहाँ पे आप पूरा सैटरडे भी लिख सकते हो, लेकिन लंबा हो जाता है तो आप शॉर्ट में भी ऐसे सेट भी लिख सकते हो। अब इसे कॉर्नर पे ऐसे बस पकड़ना, आगे सब में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे खींच देना आप, ये ड्रैग कर देना 31 तारीख तक पूरा, ये देखिए तो सभी के नीचे दिन आ गए और बिल्कुल सही आए होंगे, आप चाहे कैलेंडर में चेक कर लेना। ठीक है साथियों, अब मैं थोड़ी सी पेज सेटिंग बता रहा हूँ इसकी। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन फॉर्मेटिंग के बताए थे मैंने लास्ट लेक्चर में, आप देख लेना जितने ना देखे हूँ, तो
तो इनका यूज करते हैं। ये अटेंडेंस रजिस्टर हेडिंग ऐसे बड़ा करना है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से फॉन्ट साइज को ऐसे बड़ा कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे हम ए पर, इस पर तो इससे साइज बड़ा हो रहा है। अब इसमें यहाँ से कलर कर सकते हैं आप अच्छा सा कोई भी, ऐसे ही फॉर द मंथ होगा, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से बढ़ा लीजिए, ये देखिए ये हो गया। यहाँ से इसमें भी कलर कर सकते हैं आप कोई भी, ये मैंने यहाँ से कलर कर दिया है। तो साथियों ये जो हम मैटर को एडिट कर रहे थे, इसमें हम ये हमारे जो हेडिंग्स हैं इन्हें सेलेक्ट करके इस तरीके से बोल्ड कर देंगे, यहाँ से ऊपर से बोल्ड से डार्क हो जाएंगे। ऐसे ही ये हमारे जो सीरियल नंबर या एम्प्लॉय नंबर जो भी हैं, इसको हम यहाँ से सेंटर ये कर देंगे और इन्हें भी बोल्ड कर देंगे। ये ऊपर की डेट टाइम है हमारे, इनको ऐसे माउस से सेलेक्ट करना और इन्हें भी बोल्ड कर, तो बोल्ड से ये थोड़े से और ज़्यादा डार्क दिखाई देने लगते हैं। और आप इसमें भी कलर कर सकते हो, ये जो ऊपर की हेडिंग है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर ऊपर डेट आ रही है, इस डेट डेज को भी बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, ये यहाँ से बड़ा कर दिया, सेंटरलाइज कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से वन और टू पूरा सेलेक्ट करके इसमें कलर दे देंगे कोई, जैसे यहाँ से गए और ये मैंने येलो कलर दे दिया या ग्रीन कलर, इस तरीके से कोई भी कलर दे सकते हैं, उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने यहाँ से लाइट ग्रीन कलर ये दे दिया इसके अंदर। यहाँ से सीरियल नंबर है, इसमें हम कलर कर देंगे कोई भी, ये मैंने लाइट ब्लू, ठीक है। अब साथियों करना क्या है हमें, इसमें अटेंडेंस लगा दें। तो अटेंडेंस कहाँ से लगेगी, गौरव की जैसे अटेंडेंस लगा रहे हैं हम 1 मई की, यानी 1 मई की सैटरडे की, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर गौरव आया है उस दिन तो यहाँ क्या लिख देंगे, पी, कैपिटल लेटर में कैप्स लॉक ऑन करके पी लिख देंगे, यानी प्रेजेंट। ऐसे ही ये सचिन का डाटा है, सचिन आया क्या 1 तारीख को, 1 मई को सैटरडे को, हाँ आया, तो प्रेजेंट। इस तरीके से जो जो आया पी लिखते रहेंगे, मान के चलिए यस नहीं आया, यस छुट्टी पर रहा उस दिन, तो उसे ए दबा देंगे, यानी कि एब्सेंट, ठीक है। ऐसे ये क्लर्क कपिल एब्सेंट रहा, एब्सेंट, तो कुछ में आप प्रेजेंट लिख देना और कुछ में एब्सेंट लिख देना, ठीक है साथियों। और ये भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे, तो सेंटर से और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, सारे एक साथ ही कर लेंगे आप यहाँ से ये पूरा डाटा इतना और आगे तक लास्ट तक सेलेक्ट करके पूरा। तो हम यहाँ से ये अपने जो ऊपर डेट हैं और डेज हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे एंड तक और सभी को सेंटर में कर लेंगे, यहाँ से इनको ये सेंट्रलाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे ये सेंटर का ऑप्शन है, राइट लेफ्ट सेंटर का, ये क्लिक कर दीजिए, तो अब ये बॉक्स को बिल्कुल सेंटर में बीच में आने लगे, तो पहले से भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और एक ना इसमें टेबल और दे दीजिए, यहाँ देखिए बीच में लाइनें नहीं आ रही हैं, तो लाइनें देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे जितने में लाइनें देनी है, ये सेलेक्ट किया पूरा डाटा हमने, और इसके बाद बॉर्डर के ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर ये पॉइंट पर खोलेंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए सभी पर लाइनें आ गई। तो कितना अच्छा आपके सामने अटेंडेंस रजिस्टर बन रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं बनाया, आप देखते रहिए, अभी काफ़ी इसमें फॉर्मूले लगने बाकी हैं। पूरे अटेंडेंस रजिस्टर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे मान लो संडे का दिन आया हमारा, संडे के दिन हॉलीडे यानी छुट्टी रहती है वीकली, तो इसका हम अलग तरीके से हिसाब करेंगे। पहले मंडे का देखिए, मंडे में गए क्या गौरव, मंडे के दिन आया था प्रेजेंट, ये आया था आपका सचिन प्रेजेंट, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट प्रेजेंट लगा देंगे और एब्सेंट को जो छुट्टी पर रहता है उसे ए, यानी एब्सेंट को ए लिख देते हैं। अगर किसी ने एप्लीकेशन देकर छुट्टी ली है, यानी मंजूर करी हुई छुट्टी है, तो उसमें एब्सेंट नहीं लगाया जाता। मान के चलो यस ने एप्लीकेशन देकर छुट्टी ली है, तो उसमें एल लिखते हैं, एल मीन्स लीव, यानी बंदा लीव पर है। एब्सेंट में और लीव में क्या डिफरेंस होता है साथियों, अगर कोई बिना बताए एब्सेंट है, बिना बताए छुट्टी पर है, तो उस पर फाइन लगा दिया जाता है। लीव में फाइन नहीं लगाया जाता, लीव में फाइन नहीं लगता साथियों, और कुछ जगह लीव की सैलरी भी मिलती है, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से मैंने ये भी बॉक्स फिल कर दिया। मान के चलिए ट्यूजडे के दिन हमें दिखाई दे रहा है सारे एम्प्लॉय आए हुए हैं, तो आप एक बार बस ई लिखिए, कॉर्नर पे कर्सर ले जाइए और इस तरीके से नीचे तक कीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से नेक्स्ट डे में भी मान लो सभी हैं, तो बस यहाँ नीचे तक होने से ये सेलेक्ट करके
कॉर्नर से राइट कॉर्नर से पकड़िए और माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के आगे खींचिए, तो ये प्रोजेक्टर। अगर किसी दिन हड़ताल पर हो जाती है कंपनी में या वर्कर स्ट्राइक पे चले गए हड़ताल पे, तो उस दिन हम यहाँ क्लिक करके लिख देते हैं एस। एस मीन्स स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक पे हड़ताल पे चले गए हैं, 3 दिन हड़ताल चली, यहाँ से पकड़ के आप 3 दिन आगे खींच दीजिए। तो साथियों, इस तरीके से हम पूरे महीने का एंड तक हर दिन का डेट वाइज अटेंडेंस रजिस्टर बनाते रहते हैं, प्रेजेंट एब्सेंट लिखते रहते हैं। अच्छा साथियों, मान के चलिए संडे के दिन हमारे कंपनी की छुट्टी रहती है, क्लोज रहता है, तो हमें यहाँ पर सभी का क्लोज लिखना है या वीकली ऑफ लिखना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, यहाँ पर आप लिखेंगे वीकली ऑफ, होलीडे भी लिख सकते हैं, या कोई दिवाली होली ऐसा फेस्टिवल है तो आप दिवाली होली भी लिख सकते हैं, तो ये तो सभी का होगा, तो इसे कॉर्नर पे से पकड़ के नीचे खींच दीजिए, सभी का वीकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका होता है, एक ही वीकली ऑफ हम वर्टिकल में सीधा लंबा लंबा लिख दें, तो वो कैसे लिखेंगे, ये बाकी के वीकली ऑफ सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, बस एक ही रहने दो, इसको माउस से ऐसे सेलेक्ट करना। साथियों, ये ना कॉर्नर पर कोने पर से खींचोगे तो ये ड्रैग होने लगेगा इस तरीके से, कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, हटा देता हूँ। अगर बीच में से खींचोगे तो सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर आपको आगे मैटर नहीं लेना, बस सेलेक्ट करना है, तो बीच में से करें, और अगर वही चीज आगे तक ड्रैग करनी है, खींचनी है, रहते हैं सीरियल नंबर या डेट वगैरह, तो कोने पर से पकड़ के करें। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद अब इसे मुझे मर्ज करना होगा, यानी बीच की लाइनें हटानी होंगी, तो ये होम में मैंने ये मर्ज सेंटर ऑप्शन बताया था, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए रफ हो गई है सारी लाइनें, ये पूरी मिलकर एक ही हो गई है। अब इसे वर्टिकल कर देंगे वीकली ऑफ को, तो यहाँ से जाएंगे ओरिएंटेशन के ऑप्शन पर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ऑप्शन लेना वर्टिकल टेक्स्ट, बस देखिए ये वीकली ऑफ सीधा होकर आ गया। इसे आप बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, मान लो हम इसको रेड कलर में करना चाहते हैं, यहाँ से गए, ये मैंने ऐसे रेड कलर में दिखा दिया, डार्क रेड करना ये। अब मैं चाहती हूँ ये देखना करना चाहता हूँ कि सभी संडे में वीकली ऑफ ऐसा ही लिखा है, तो अब मैं ऐसे बार बार एक एक को करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको वीकली ऑफ को सेलेक्ट करेंगे और होम में कॉपी पे जाएंगे, या माउस से शॉर्ट की होती है कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं, देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब आगे जहां जहां पर आपका संडे है, जैसे ये रहा, इस जगह से लेना है तो इसे पेस्ट कर दीजिए, बस पेस्ट, ठीक है, ये आ गया। और ऐसे ही आगे जाएंगे, नेक्स्ट जो संडे है यहाँ से क्लिक करके ये पेस्ट कर देंगे, फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट संडे में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी 4-5 संडे हैं आपके मंथ में, उन सभी में हमें इसको पेस्ट कर देना है, कॉपी एक बार, अब पेस्ट चाहे जितनी बार। तो ये देखिए सभी में वीकली ऑफ आ गया है, ठीक है साथियों, अच्छा लगा आपको। और देखिए, अब ये मान के चलिए पूरे महीने में ये जो निशान आ रहे हैं ना, इन्हें देखो मैं हटा देता हूँ, डबल क्लिक कर दो कहीं भी हट जाएगा, फिर बाहर सिंगल क्लिक कर देना है। अब मैं ये प्रेजेंट हैं जो, अगर आपको पूरा महीना होने के बाद जिनके ये बताना हो कि महीने के लास्ट में, इसे आगे बढ़ा लीजिए, बिल्कुल लास्ट में आ जाइए और थोड़ा सा आगे पॉइंट पे क्लिक करके ऐसे बढ़ा दीजिए, नीचे से नीचे देखिए राइट कोर्नर में, तो इस पॉइंट पे, तो जब पूरा महीना हो जाता है तो टोटल काउंटिंग भी की जाती है, वर्कर महीने में कितने दिन आया, कितने दिन एबसेंट रहा और कितने दिन लीव पर रहा, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी बनती है, जो उसके वेतन या तनख्वाह देते हैं। तो उसके लिए हम लास्ट के 3 बॉक्सों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इन्हें भी बॉर्डर दे देंगे, यहाँ से गए ऑल बॉर्डर, सबसे ऊपर वाले बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट करना, बीच की लाइनें रफ कर देना यहाँ से मर्ज एंड सेंटर से, और यहाँ पर लिखना टोटल, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, यहाँ माउस से क्लिक करो दोबारा और ऐसे ये बड़ा कर सकते हो। अब टोटल किस चीज का साथी हो, प्रेजेंट, नेक्स्ट बॉक्स में एबसेंट और नेक्स्ट में लीव। तो मैं पूरे महीने का यहाँ दिखाना चाहता हूँ, कितने दिन वर्कर प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन लीव पर रहा। तो साथियों, उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म हुआ है। अच्छा, बैक आ जाइए। अब जो प्रेजेंट है, यानी मान लो मैं गौरव का बताने जा रहा हूँ, उसी तरीके से सबका लग जाएगा। गौरव की प्रेजेंट मुझे गिननी है, तो इसका यहाँ से रिकॉर्ड शुरू हुआ है, ये सेल कौन सी है, सेल के नाम से लगते हैं साथियों, फॉर्मूले ध्यान है ना, ये सेल कौन सी है, देखिए लिखा रहा E4, यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो E और ये 4, तो मुझे E4 से स्टार्ट करके और लास्ट कहाँ तक इसके भरे जाएंगे पूरे, ये जो प्रेजेंट एब्सेंट हैं, ये लास्ट महीने की लास्ट डेट, ये यहाँ तक भरे जाएंगे, तो इस पर क्लिक करके देख लो ये कौन सी सेल है, ठीक है साथियों। ये ध्यान रखना 4 नंबर पे है ये,
आप ऐसे ऊपर वाली मत देख लेना, जिसमें पेज नंबर पे ऐसे क्लिक कर लो और बैक जाके देखो गौरव का डाटा 4 नंबर पे है। तो ये हमारा यहाँ से E4 से और ऐसे आगे तक जाएं, देखने कहाँ तक है रिकॉर्ड, ये यहाँ तक, यानी कि AI4 तक, ठीक है ना, H के बाद आई AI4 तक का लगाना है। तो यहाँ प्रेजेंट पे क्लिक करना है, जहाँ आंसर निकालना है वहाँ क्लिक करें। क्लिक करके यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे बराबर काउंट इफ, काउंट इफ है फॉर्मूला। अब इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक लेना है, ब्रैकेट स्टार्ट, अब जहाँ से लेना है तो कौन सी सेल थी अभी मैंने बताया था, देखो बैक दोबारा एक बार दिखा रहा हूँ जाके, यहाँ से लेना है या तो इसे लिख दो आप E4 अपने हाथों से, या इस पर क्लिक भी कर सकते हो, ऐसे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करके अपने आप वहाँ पर देखो फॉर्मूला यहाँ भी दिखाई दे जाता है, काउंट इफ E4 लिख गया है। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ पर आप लगाइए सेमी कॉलम, फिफ्थ के साथ सेमी कॉलम, ठीक है। तो ये देखिए सेमी कॉलम लग गया है। अब आपको कहाँ तक लेना है फॉर्मूला, यहाँ तक लेना है, ये यहाँ तक, तो ये है AI4, तो या तो क्लिक कर दो या लिख दो हाथों से AI4। अच्छा, अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, काउंट इफ में आपको ये भी बताना होगा काउंट करना क्या है, A काउंट करना है, P काउंट करना है, या L यानी प्रेजेंट एब्सेंट लीव में से क्या काउंट करना है। तो उसे कोमे में लिखते हैं, पहले तो एक कोमा, सिंपल कोमा लगाइए नीचे से, M के बिल्कुल बराबर में, M बटन के बराबर में है कोमा वो। फिर अब इन्वर्टेड कोमा में वो लेटर लिख दीजिए जो गिनना है, तो इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट के साथ ये एंटर के बिल्कुल बराबर में होगा, दो कोमे तो एक साथ हैं ये। अब यहाँ इसमें लिखिए क्या गिनना है आपको, प्रेजेंट पी, और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिए शिफ्ट के साथ, वही इन्वर्टेड कोमा एंटर के बराबर में, ये लिखकर आप एंटर कर दीजिए। तो ये दिखाएगा 4 दिन प्रेजेंट रहा है वो महीने में। आप कहेंगे एक महीने में 4 दिन, हाँ हमने तो अभी ये पूरा डाटा भरा पा है, अभी बस यहीं तक तो एक हफ्ते का ही तो बनाया है, जब आप आगे का भी लिखोगे तो अपने आप बदलने लगेगा, चाहे गिन दो आप एक पी एरा प्रेजेंट, 1, 2, 3, 4, बस 4 प्रेजेंट है तो वहाँ दिखा दिया देखो 4 एरा। अब मैं आगे उसी बॉक्स में कहीं लिखता हूँ कि मान लो 28 मई में भी आया था, तो मैं पी लिखता हूँ तो अपने आप देखिए कितना हो गया 5। ऐसे में यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा पी, ये हो गया 6। तो जब भी मैं पी लिखूंगा अपने आप वहाँ पर बढ़ते रहेंगे, किसी को हटाऊंगा जैसे इसे डिलीट किया तो अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पूरे महीने का आप कर लोगे, जितने भी 20-25 दिन आया होगा उतने दिन की प्रेजेंट आपकी आ जाएगी, ठीक है साथियों। एक बार और देखिए, अब की बार मैं एब्सेंट का बता रहा हूँ, सेम तरीका है, सेम बिल्कुल है, बस जहाँ पी लिखा था प्रेजेंट का एब्सेंट में ए लिखना होगा। यहाँ क्लिक करके जहाँ से आपको लगाना है पहले उस सेल का नाम लिखिए, हमें यहाँ से लगाना है गौरव की अब की बार एब्सेंट पता करनी है, तो ये E4 से शुरू है और कहाँ तक है हमारा, यहाँ तक AI4 तक। तो यहाँ फॉर्मूला है बराबर काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब जहाँ से डाटा शुरू था किससे था, E4 से, E4 एक सेमी कॉलम इसके साथ अनुपात का निशान सेमी कॉलम, और फिर जहाँ तक, यहाँ तक लेना है, तो ये सेल है हमारा AI4। साथियों मैं बताया था लिख भी सकते हो हाथों से, क्लिक कर दो, सीधा क्लिक कर दिया उस बॉक्स पे जो बॉक्स जहाँ तक का लेना है, तो देखिए आगे AI4। अब इसमें कोमा लगा के लिखिए इन्वर्टेड कोमा में जिस चीज को गिनना है, कोमा लगाया फिर इन्वर्टेड कोमा, और क्या गिनना है एब्सेंट, तो एब्सेंट के लिए ए सिंबल बनाया था हमने, ए और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, बस इतना फॉर्मूला है। बराबर काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जिस सेल से शुरुआत है डाटा की, फिर सेमी कॉलम, और जिस सेल पे खत्म है ये लास्ट का सेल, और कोमा जरूर लगेगा ये, और फिर इन्वर्टेड कोमा में जो गिनना है वो एब्सेंट गिनना है। तो 0 एब्सेंट है, एक भी दिन अभी तक एब्सेंट नहीं हुआ है वो, कौन, यहाँ से 4 नंबर पर जाइए और जैसे इधर आ जाइए ये गौरव, ठीक है साथियों। अच्छा एक चीज इसमें बड़े काम की, जैसे हमें ये बार बार ऐसे आगे पीछे जाते हैं तो नाम अंदर चले जाते हैं, हम चाहते हैं वो नाम यहीं रुके रहें, जिससे कि बार बार पीछे ना जाना पड़े, हमें दिखाई देता रहे किस किस रिकॉर्ड चल रहे हैं, तो उसे फ्रीज कर देते हैं डाटा को। फ्रीज कैसे करते हैं साथियों, मैं चाहता हूँ यहाँ से ये डाटा पूरा फ्रीज हो जाए, जैसे हम आगे जाएं तो यहाँ से इधर का लॉक रहे, तो उस सेल को सेलेक्ट करना, यहाँ से आपको जाना होगा व्यू के ऑप्शन में, व्यू पे क्लिक करना फ्रीज पेंस में, और यहाँ इस पे क्लिक कर देना फ्रीज पेंस। तो ये साथियों यहाँ से आगे का रिकॉर्ड फ्रीज हो गया होगा, अब आगे जब जाओगे तो देखो ये GH यहाँ से चल रहे हैं, यहीं रुके रहेंगे आपको, तो मैं इसको ऐसे आगे खिसकाता हूँ, ठीक है ना, कितना कमाल का फंक्शन है, आगे आ जाएंगे और लास्ट में जहाँ हमारा फॉर्मूले लग रहे थे उस पर आ जाएं, ठीक है ना।
ये गौरव जो है हमारा वो 6 दिन प्रेजेंट है अभी तक और 0 एब्सेंट है। अगर मैं एक दो एब्सेंट लगा लूं, मान लो 31 मई में मैंने ए लिख दिया तो देखिए एक एब्सेंट हो गई। ऐसे थोड़ा सा बैक निकालता हूँ डाटा को, यहाँ से नीचे देखिए इससे ये। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक इसकी एब्सेंट और लगा दी तो देखिए यहाँ 1 है भी, एंटर मारूंगा तो 2 हो जाएगा अपने आप ही। तो ये हमारे अपने आप बढ़ते चलते रहेंगे, फॉर्मूले लग गए। एक बार और देखिए, एक लीव का बता देता हूँ, उसके लिए मैं एक दो इसकी लीव लगा देता हूँ। यहाँ पे गए एल एल एल, ठीक है ना। अब मुझे ये गिनना है ये जो गौरव है वो गौरव कितने दिन लीव पर रहा महीने में। तो आगे आ जाइए, लीव में जाइए या क्लिक कीजिए, फॉर्मूला लगाइए बराबर काउंट इफ, काउंट इफ थोड़ा आगे निकालता हूँ मैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और जहाँ से शुरू है डाटा, कहाँ से शुरू था गौरव का जो प्रेजेंट एब्सेंट था, यहाँ से बैक आ जाओ, ये आगे बैक देखिए, यहाँ से 1 मई यहाँ से शुरू था यानी कि E4 से। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ E4 लिख भी सकते हैं। अब सेमी कॉलम लगा देंगे, वहाँ वापस आ जाएगी आगे, यहाँ E4 के बाद सेमी कॉलम और सेमी कॉलम के बाद लास्ट सेल का नाम, जहाँ तक आपको लेना है लास्ट कहाँ पर है 31 मई देख लीजिए मेरा यहाँ तक, ठीक है ना। इस पर क्लिक कर दिया, अच्छा एक मिनट यहाँ से बैक आइए, ये थोड़ा गलत क्लिक हो गया था मेरे से। E4 से शुरू था सेमी कॉलम, कहाँ तक लेना है यहाँ तक 31 मई तक का, ये क्लिक कर दिया, ठीक है AI4 आ गया। अब कोमा लगा के क्या लिखेंगे साथियों, जो चीज गिननी है आपको कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर। आपकी लीव गिनने हैं, एल गिनना है ना, एल लिखिए इन्वर्टेड कोमा। साथियों यहाँ ध्यान देने की बात यह है, फॉर्मूले में जहां से शुरू है उस सेल का नाम यहाँ, यानी जहां से प्रेजेंट शुरू है उस कैंडिडेट की और जहाँ खत्म है उसका यहाँ, ये लिखकर आप एंटर कर दीजिए। तो 3 दिन लीव पर है बंदे। अब हमें सबके नहीं लगाने सचिन मयंक के, बस आपने एक का लगाया ना, आप कॉर्नर पे नीचे पॉइंट पर से पकड़ के खींच दीजिए ऐसे, तो सब में लग जाएगा फॉर्मूला। ऐसे इसमें गए एब्सेंट में, ये सब में लग गया, देखिए ऐसे यहाँ से गए ये सब। अभी ये कम इसलिए आ रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड भरा नहीं है, जैसे जैसे रिकॉर्ड भरेंगे अपने आप चलता रहेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं सचिन को ये 31 मई में एब्सेंट करता हूँ तो एब्सेंट में एक हो जाएगा, ये देखिए एक एब्सेंट हो गया। ऐसे इसका करता हूँ नीचे मयंक का, मैंने यहाँ पी लिखा था ना पी, तो प्रेजेंट पहले कितनी थी 4, एंटर करते ही 5 हो गई, समझ गए ना। तो ये सब में लग जाएगा, यहाँ से बैक आ जाइए, ठीक है साथियों। ये जो मैंने फ्रिज लगाया है जो ऐसे रुके हुए हैं, ये आपको अगर हटाना हो तो जहाँ जिसके बाद लगाया था, यहाँ लगाया था मैंने इस कॉलम से पीछे का रोका था, यहाँ इस पर क्लिक कीजिए और व्यू में ही जाइए, फ्रिज पेंस में जाइए और यहाँ पहले लिख रहा था फ्रिज पेंस, जब हमने लॉक लगाया था हटाना हो तो अनफ्रिज पेंस कर देना, तो अब पूरा डाटा एक बार में ऐसे अंदर चला जाया करेगा, पूरा ही आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये था अटेंडेंस रजिस्टर बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका जो मैंने आप सभी को बताया और इसके फॉर्मूले वगैरह भी बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।